पोहा बॉल्स खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं और ये बहुत ही क्रंची बनती हैं और आज मैं ये ही बनाने जा रही हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा एंड प्रिंसेस। और आज मैं बनाने वाली हूँ पोहा बॉल्स, जो आप सुबह के और शाम के नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। आइए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोहा बॉल्स बनाने के लिए मैंने पोहे को 2 मिनट के लिए भिगो के रखा था और फिर उसे मैंने पानी से अलग कर दिया है और मैंने उसे इस तरीके का सॉफ्ट कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बेसन यूज़ करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें बेसन डालेंगे। और इसमें हम प्याज, हरी मिर्च, कस्तूरी मेथी और मिंट लीफ और करी लीफ डालेंगे और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे दही। और थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़े से हम इसमें तिल डालेंगे, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और हम अब इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, या तो हम इसकी इस तरीके से बॉल्स बना सकते हैं या फिर हम रोल वाला शेप कर सकते हैं या जैसे आलू की टिक्की का शेप होता है वो वाला शेप रख सकते हैं। जो मर्जी हो, जिस जैसा आपको पसंद हो उसी तरीके का हम इसको शेप दे सकते हैं और इसे आप सुबह के और शाम के ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं। तो अब हम इनके ऐसे बॉल्स बना लेते हैं और इस तरीके से हम इसकी बॉल वाली शेप भी बना सकते हैं और रोल्स वाली शेप भी बना सकते हैं। और अब हम इनको ऑयल में तल लेंगे और मैंने ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है। अब ये बॉल ऑयल में डाल के इनको अच्छे से मीडियम आंच पर थोड़ा क्रंची हो जाने देंगे और जब तक ये अच्छे से क्रंची नहीं हो जाती है ब्राउन कलर की, तब तक हम इनको इसी तरीके से सेकते रहेंगे। देखिए ये क्रंची होनी स्टार्ट हो गई हैं, हमारी पोहा बॉल्स बनकर तैयार हो गई हैं और सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। देखिए हमारी पोहा बॉल्स बनकर बिल्कुल रेडी हो गई हैं, हमने सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी कर ली है और बहुत ही क्रंची बनी है और ये आपको खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे, बहुत यम्मी लगेंगे। आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।